वाराणसी में प्रधानमंत्री के आगमन से पहले प्रवेश द्वार पर काफी भीड़ देखी गई। यहां पर लाइन लगाकर प्रवेश किया जा रहा है, जिनका पास बना है उन्हीं को प्रवेश दिया जा रहा है और यहां पर काफी मात्रा में फोर्स प्रशासन भी लगाया गया है। वाराणसी के पड़ाव में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की 30 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण होगा। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए मिर्जापुर मड़िहान से संवाददाता पवन सिंह की खास रिपोर्ट। चलते हैं यहाँ पे जो है कि आज जो है कि माननीय प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं, उसी के जो है कि उपलक्ष्य में यहाँ पे कार्यक्रम रखा गया है। यहाँ पे हमारे स्वयं से जानकारी लेते हैं कि यहाँ क्या क्या रखना पड़ता है। माननीय प्रधानमंत्री और सांसद नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री हुए हैं, बनारस के विकास के लिए लगातार प्रयास और इसी कड़ी में आज पुनः 1100 करोड़ रुपये की नई सौगात वाराणसी शहर के अंदर देने जा रहे हैं। ये पड़ाव स्थल से लेकर के मुगल सराय के जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में रहे अपने माननीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की मौत हुई थी रहस्यमय परिस्थिति में, जिसे हम कह सकते हैं कि उनकी हत्या की गई थी। इसी दृष्टि को रखते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस पड़ाव की जो अवधूत राम बाबा के ठीक बगल में सभी हुए स्थान है, वहाँ पर प्रतिमा को स्थापित करने का निर्णय लिया। आज उसी प्रतिमा के अनावरण के लिए जो कि 63 सांस्कृतिक प्रतिमा है, इसका आज कार्यक्रम है और इसके बाद घर के अंदर कौन कौन से बहुत से काम होने हैं और लगातार कार्य चल रहा है। यह कोई नहीं कह सकता केवल बातें हो गई है, हाँ यह जरूर है कि जनता पैसे दिखाई नहीं पड़ रहा है। मैं ऐसे जनता से कहना चाहता हूँ कि जब अपना एक मकान बनता है तो साल मकान बन जाता है, तो इतनी जल्दी आप दिखाई तभी देगी जब सारे काम पूर्ण होंगे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद नरेंद्र मोदी, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद देश कनेक्ट कैसा हो नरेंद्र मोदी कैसा हो।